शोपिया में मल्टीप्लेक्स द्वारा आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम जिसमें उत्पादकों और ड्रिलरों की भारी भीड़ जुटी। सेब की फसल को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई। शोपिया में कर्नाटक एग्रो केमिकल्स बेंगलोर द्वारा एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों उत्पादकों और डीलरों ने भाग लिया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य डीलरों के साथ साथ उत्पादकों को विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों और मैक्रो पोषक उर्वरकों जैव उर्वरकों जैविक उर्वरकों के बारे में शिक्षित करना है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेब जम्मू कश्मीर में मुख्य फसल है, खासकर शोपिया जिले में। आज के शिविर का आयोजन डीलर मीट बाय मल्टीप्लेक्स के बैनर तले किया गया। इस मौके पर विशेषकों ने सूक्ष्म पोषक तत्वों, खाद, जैविक खेती और जैविक उत्पादों के विभिन्न प्रकार से उपयोग की जानकारी दी। डीलरों को नए विकसित स्प्रे ड्रोन के बारे में भी अवगत कराया गया जो उत्पादकों को कीटनाशकों की बर्बादी और प्रभावी स्प्रे समय को कम करने में मदद करेगा। ड्रोन को मल्टीप्लेक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज कर्नाटक द्वारा विकसित किया गया है। परमिशन दे मोनी रिपोर्ट है जो फाइनल है कि वो ब्रो ये सेक्रेटरी बनो आ एनी रिजल्ट दी वुचित एक तरफ सो करे बे तरफ ये कह दे तो एते पान है फिक्र ये कंपनी छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनावन या क्या छ आज छ भी तसम 14 न्यूट्रिएंट तो सारे वो शुरू से कार इस्तेमाल तो करन वार यहां क्योंकि ट्रेंड को चेंज एम मुझे बने कि न्यूट्रिएंट क्या जे वो छ कुलन मज आई वार ज्यादा केमिकल डिफरेंसेस गई जब वो इन तोरारस कैल्शियम गई अक्सर ज्यादा बोरान गई ज्यादा ये तुम वो शुपन क्या सूट स्ट्रंग ज्यादा तुम हेको मे वन अर्थ तुम सारी डील क्या बाकी अगर वन कह ये मे क्या पाई तो बहुत हेको वन तुम फार्म अच्छे पजन प्रोडक्ट अन रजिस्टर्ड दिन कुछ किस्म मल्टीप्लेक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रहे। इसमें जो खासकर आप लोगों ने ऑर्गेनिक बेसिक जो भी न्यूट्रिएंट्स थे या जो खाद आपने प्रोवाइड की थी किसानों के हित में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन है। आज किसानों ने मेरे ख्याल से जाना है कि जिस तरह एक इंसान को प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फूड ज़रूरत होती है, इसी तरह इन जो ये पेड़ पौधे हैं इनके लिए भी ये बहुत ही मुफीद होती है। क्योंकि आज की मीटिंग का जो मतलब खास एजेंडा था वो ये था कि हम लोग भी बिल्कुल इसी तरह इन पेड़ पौधों का ख्याल रखें जिस तरह हम अपना ख्याल रखते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फूड हम इस्तेमाल करते हैं, कश्मीर में जो है हालात, मौसमी हालात जो है काफ़ी चेंज होते जाते हैं। जो भी सिट्रस होती है, चाहे फ्लोरा की चाहे फाना की, जितने भी सिट्रसेस रहती है वेदर के हिसाब से, उसमें बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, खास करके इसमें कैल्शियम है, बोरान है, मॉलिब्डेनियम है, जिंक है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मल्टीप्लेक्स कर्नाटका कंपनी की जो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। हमने खुद पहले, मैं एक MSc स्टूडेंट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन जो है स्पेशली एंटमोलॉजी है, तो इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है इस मतलब सिट्रस को ओवरकम करने के लिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी इस कंपनी को कि जिन्होंने इस मियार के इतने बेहतरीन क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा फायदा ग्रोवर्स को हुआ। आज के इस मीटिंग के हवाले से शोपियान में एक जानकारी मुहिम दी गई है। हमारे जितने भी मल्टीप्लेक्स कंपनी की तरफ से तमाम डीलरों को एक जानकारी दी गई कि न्यूट्रेंट की अहमियत क्या होती है, क्योंकि ज़मीन में न्यूट्रेंट्स की बता होती है, लेकिन जो अनअवॉइडेबल मौसम चेंज होने की वजह से कभी कभार कैल्शियम और कभी बोरान की डेफिशिएंसी होती है, खासकर एप्पल में। एप्पल में ज़्यादा बोरान और कैल्शियम इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर
अगर कैल्शियम की कमी महसूस होती है तो सेब के ऊपर क्रैकिंग शुरू हो जाती है, अगर बोरान की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें सेब के अंदर बीज नहीं पाया जाता है। तो आज की इस मीटिंग के सिलसिले में तमाम डीलरों को न्यूट्रेंट्स की जानकारी दी गई है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी उनको पूरा पूरा इसका तरीका बता दिया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज़ 24x7।